ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो हिलियस मशीन है, जो पीएफटी जो टेस्ट करते हैं, जो मशीन कैसे क्या आपको, जो ये मशीन, ये टॉर्बाइन है, और ये माउथ होल्डर है जो आपको लगाना है, ये यूज़ करना है, तो कैसे क्या फिटिंग करना है, और जो यूएसबी केबल वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम हैंडल जो है, जो यूएसबी केबल जो है, हम उसको सिस्टम में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो इसका जो कनेक्शन जो पॉइंट है, तो इसको हम हैंडल का जो हीलियस 401 लिखा है उसका नीचे हम देखेंगे, यहाँ पे ये कनेक्ट होता है। तो इसका जो पिन है, जो उसी हिसाब से जो कर्व है वो कर्व की साइड रहेगा, जो फ्लैट है वो फ्लैट की साइज में रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा है, तो ये इस तरह होता है। तो इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद आपका ये फिट हो गया। उसके बाद आपको कैसे जो टर्बाइन है, टर्बाइन को कैसे इस मशीन में फिट करना है। तो मशीन में फिट करने से सबसे पहले आपका जो हिलियस 401 लिखा है उसके ऊपर में देखिए आपको आरएमआर दिखाई देगा, जो आरएमआर के उसी को आपको देखना पड़ेगा। देख के जो, और जो आपका ये जो टर्बाइन है, ये आपका ग्राफ को रीडिंग करके इस मशीन से जो सेंसर लगा है इसमें, तो इसको रीडिंग करके वो आपको सिस्टम में शो करता है, जो कि आप जो जैसे फूंक रहे हो। तो इसको कैसे लगाते हैं, वो इसका जो हैंडल में कुछ मार्किंग है, सॉरी टर्बाइन में कुछ मार्किंग है, जो मार्किंग आपको नोटिस करना होगा। ये आरएमआर जिस तरफ है आपका जो हैंडल का, जो इस तरफ आरएमआर है उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। जो कि ये हिलियस 401 लिखा हुआ है वो आपका फ्रंट साइड है, उसी ओर के आपको इससे इसको आरएमआर की दिशा में डालना होगा। अंदर डाल दिए, हल्का सा आपका जो मतलब आएगा, उसके बाद थोड़ा जोर से प्रेस करना है। प्रेस करने से आपका जो हैंडल और टर्बाइन दोनों फिट हो जाएगा इस मशीन में, मशीन में फिट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, जो फ्रंट साइड जो हिलियस 401 लिखा है उस पे हम ये माउथ होल्डर लगाएंगे। ये इस माउथ होल्डर कैसे लगाएंगे, ये जो आपका जो टर्बाइन है हिलियस 401 जो लिखा है उसके सामने ही आपको इसको आराम से लगाना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आपका ये अटक जाएगा टर्बाइन के साथ, ये निकलेगा नहीं, इसको काटना पड़ेगा। तो इसलिए इसको आराम से लगाएंगे और आराम से निकलेंगे, जैसे ये निकल सकता है। अब आप इसको ज़्यादा प्रेस करके ऐसे लगा दिए तो ये फिट हो जाएगा, ये आपका निकलेगा नहीं, फिट हो जाएगा तो आपको निकलेगा नहीं, बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए इसको आराम से लगाए, लगाने के बाद आप इसको मुंह में डाल के यूज़ कर सकते हैं। इसका जो आता है ये दो टाइप का आता है, एक तो ये पेपर का रीयूजेबल माउथपीस लगा के हम कर सकते हैं, जो कि इस तरह का आता है। अगर राउंड वाला शेप लगाए तो इसको आप यहाँ पे फिट करके लगा सकते हैं। इसको आप एक बार यूज करेंगे तो फेंक देंगे, दोबारा यूज नहीं होगा, ये एक बार यूज करेंगे तो फेंक देंगे। और जो दूसरा वाला है वो आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं निकाल दिया, इसको निकाल दिया। दूसरा वाला ये है जो आपका रीयूजेबल टाइप का है, मतलब ये आपका इस तरह का था, एक आप एक बार एक्सप्रेशन के कर देंगे तो उसके बाद इसको आप डिलीट, मतलब डिलीट बोल रहा हूँ, इसको आप वॉश कर लेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे, फिर दूसरे पेशेंट में यूज करेंगे। जब वॉश करेंगे तो उसको ड्राई होना चाहिए, इसको गीला नहीं, गीला होने से आपका टर्बाइन में पानी घुस सकता है। तो इसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद आप इसको यूज करेंगे, इसको ऐसे लगाना है और आपको इसको मुंह में डालना होगा। इसको जो मुंह में डालेंगे आपको प्रॉपरली मुंह में डालना होगा। तो इतना ही उसका हैंडल होता है। अगर आपको इसको डिसेंबल करना है, जैसे असेंबल करते हैं उसको डिसेंबल कैसे करना है ना, जिस तरह का है, पहले आप तो जो सॉफ्टवेयर खोले हो उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसको यहाँ से इसको केबल निकाल देंगे। निकालने के बाद आप इसको माथोल को आराम से पकड़ कर टर्बाइन को और हैंडल को इसको खींच लेंगे, ये निकल जाएगा। उसके बाद आपका जो टर्बाइन है उसको आप केयरफुली, मतलब जो आपका सरफेस है उसमें रख के, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ पकड़ के, जो अल्टरनेट साइड है, जो मतलब जो सीरियल नंबर लिखा है उसी की साइड में पकड़ना है, जो आरएमएस जो हिलियस 401 लिखा है उसको आप नीचे की ओर कर देंगे, और इसको थोड़ा सा हल्का सा पकड़ के सपोर्ट देके आपको प्रेस करना है। प्रेस करने से आपका टर्बाइन जो है वो लूज हो जाएगा, लूज होने का आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको आप निकाल देंगे तो आपका ये सब डिसेबल हो गया। अगर आपको फिर से करना है तो उसी उसी हिसाब से आपको ये भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे आराम से जो आराम आके उसी हिसाब से लगाना है, फिर पुश करना है, फिर उसके बाद ये वाला जो है आपका ये वाला लगा सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरे वाला भी लगा सकते हो, जो आपका डिपेंड करता है आप किस कैसे क्या करेंगे। तो ये दो दो टाइप का आता है,
तो मैं इसको यूज करूंगा क्योंकि ये सेफ है, क्योंकि जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो इसके हिसाब से। तो एक बार करेंगे इसको, जो माउथ पीस करेंगे उसको हम फेंक देंगे, ये अच्छा रहता है। और रीयूजेबल करेंगे तो आपको उसको करने के बाद अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, उसको वॉश करके आप रखेंगे, ड्राई करके रख के यूज करेंगे। तो उसके बाद आपका ये हो गया टब एंड हैंडल रेडी हो गया, आपका जो केबल है उसको आप, जो केबल है उसको आप यहाँ फिट कर देंगे। फिट करने के बाद आपका ये रेडी हो गया। जैसे आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे, सॉफ्टवेयर खोलने से पहले आपको कॉम पोर्ट वगैरह चेक करना है, जो कि आपका जो पोर्ट है उसको देखेंगे। उसको देखने के बाद, उसको सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको वो क्वेश्चन दिखाएगा। क्वेश्चन दिखाने के टाइम में आपको उसको यस करके पोर्ट चेंज करके ओके करने से आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। तब आप जाके उसके पहले जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको स्पायरोमीटर का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बता देंगे कि कैसे क्या करना है, और जो कॉन्फ़िगरेशन है कैसे चेक करना है, जो पोर्ट वगैरह सिलेक्ट करना है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को RMS Helios जो लिखा है उसको ओपन करेंगे, जो स्पायरोमीटर का फाइल है। इसको ओपन करने के बाद हमारा यहाँ पे सेटिंग जो है उसको चेक करना पड़ेगा कि हमारा आपका जो पोर्ट है इसका वो सही से लगा है या नहीं, जो हमारा डिवाइस है वो सिलेक्ट हुआ है नहीं, जो हमारा जनरल सेटिंग है और प्रिंटिंग सेटिंग जो वो वगैरह ठीक ठाक है या नहीं, उसको हम चेक करेंगे। तो कैसे, जो हमारा यहाँ पर जो कॉम पोर्ट है वो 5 है या और कुछ है, उसको हम कैसे चेक करेंगे ना, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करके जो डिस्क पीसी है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करके मैनेज जाएंगे। मैनेज जाने के बाद यहाँ पे हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट आ जाता है। आ जाने के बाद हम यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो पोर्ट्स और कॉमन एनपीड है ना, उसी को हम डबल क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पे जो USB सीरियल पोर्ट है वो कितना है, ये जो जो नंबर है उसी को हम देखेंगे। तो ये नंबर 5 है, तो वहाँ पे हम देखेंगे वो कितना पोर्ट है। तो यहाँ पे भी वो कॉम पोर्ट 5 है, तो इसी को सिलेक्ट कर दिए। करने के बाद यहाँ हमने उसको, यहाँ पर जो बाकी जो सेटिंग है वो जहाँ भी है जो भी है वो वही रहेगा, उसको कुछ चेंज नहीं करने का है। तो इसको हम सिलेक्ट डिवाइस करेंगे। यहाँ पे दो डिवाइस दिख रहा है, एक 702 और एक हिलियस 401। तो अभी हम जो यूज़ करें वो यही वाला मशीन है, तो हम इसको हिलियस 401 के पे ही सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे उसका जो कॉन्फ़िगरेशन में एनहांसमेंट जो आता है, उसका जो भी सेटिंग है वो बाई डिफॉल्ट जो जो भी है वही रहेगा। और उसके बाद जो तो प्रिंटिंग आता है, यहाँ पे आपका जो क्लिनिक नेम और एड्रेस है वो आप चेंज कर सकते हैं, और आपका कुछ और भी सेटिंग है उसको आप चेंज नहीं करना है, बस इतना ही रहेगा। अगर आपका लोगो वगैरह कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसका जो डायमेंशन है वो 65x65 ही रहता है, 64x64 ही आता है, वही रहेगा। बस इतना ही होने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका ये जो जो मैसेज है वो आपका सिस्टम के साथ अटैच है, और जो पोर्ट हमने दिया था वही नंबर पे वो सेट है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अभी हमने उसका सेटिंग जो है कर दिया ना, करने के बाद हम इसको ऑफ करके, मतलब सॉफ्टवेयर के क्लोज करके फिर से ओपन करने से बहुत सेट हो जाता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं देगा। तो इसको जो हमने सेट कर दिया उसको कैसे चेक करेंगे हमारा फिट है या नहीं, तो यहाँ पर जो कैलिब्रेट बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रांसड्यूसर चेक, मतलब क्लिक स्टार्ट बटन टू चेक। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो हैंडल है उसको आप सीधे, मतलब जो लिखा हुआ है हीलियस 401 उसी को आप सीधे रखेंगे, और थोड़ा सा हल्का सा हल्का सा आप जैसे ही फूंक मारेंगे वहाँ पे, यहाँ पे आपका नंबर कुछ शो करेगा। मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी मैंने कुछ फूंका तो यहाँ पर वो नंबर आ रहा है, फिर से फूंक रहा हूँ तो वो फिर से नंबर आ रहा है, दिख रहा है जैसे मैं फूंक रहा हूँ वो नंबर बढ़ रहा है। तो अभी मैं जान गया कि मेरा मशीन रेडी है और ये ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मशीन इसका तो सेटिंग सेट हो गया है, अब ये हम कुछ नए पेशेंट का जो डाटा करेंगे तो कैसे करेंगे, वो हम न्यू पेशेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आईडी है हम उसका ऑटो आईडी पर क्लिक कर देंगे, जो भी नंबर है वगैरह वो आ जाएगा। अगर आपका बाई डिफॉल्ट कुछ नंबर है तो आप उसको भी दे सकते हैं, नहीं तो आप ऑटो आईडी क्लिक कर देंगे, जो भी सीरियल नंबर वाइज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद जो भी आपका डिटेल्स देना होगा वो जितना भी आपका रिक्वायर्ड्स मार्क है ना, जो स्टार्ट बटन का, वो आपको कंपलसरी देना होगा। तो जो जो आपका पेशेंट नेम,
पेशेंट का एज और वेट, जेंडर, हाइट। हाइट आपका यहाँ पर दो दो प्रकार का दे रहा है, जो सेंटीमीटर में दे सकते हैं, नहीं तो आप फीट एंड इंचेस में दे सकते हैं। यहाँ पे फीट और यहाँ पे इंचेस। अगर आप सेंटीमीटर दोगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्लिक करके यहाँ पे आप सेंटीमीटर में दे सकते हैं। और आपका अभी ये ऑप्शनल है, सिटी जैसे कहाँ पे आया है पेशेंट वगैरह, जो उसका फ़ोन नंबर वगैरह और डॉक्टर नेम, रेफर बाय, कंपनी नेम, टेम्परेचर। और यहाँ पे जो ऑप्शन है स्मोकर का, ये आपको भी उसी हिसाब से पूछना पड़ेगा कि वो पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है। अगर कर रहा है तो येस, अगर नहीं कर रहा है तो नो। अगर आप ये भी पूछ सकते हैं कि पहले इससे पहले आप वो किए थे या नहीं, तो वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर वो पहले से कर रहे थे, छोड़ दिए, तो उसको आप एक्स मोकरी करेंगे। अगर नहीं कर रहे थे तो उसको आप नो कर देंगे। तो आपका उसके बाद जो आपका जो पोजीशन आता है ना, वो आपका सिटिंग ही रहेगा। ये आप स्टैंडिंग में नहीं करेंगे, या आप वो सिटिंग में ही बैठ के करेंगे। तो उसके बाद जो आता है डेट, आपका जो जो भी डेट है वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम का डेट है वही उसको ये उठा लेगा। तो अभी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम ड्यू के तरह मतलब दे रहे हैं, तो हम जिसका भी टेस्ट करेंगे तो उसका नाम देंगे। एबीसीडी उनका एज देती है अभी, उनका कितना वेट है, जो उनका वेट है वही देना पड़ेगा। 65 तो उनका जो वेट है, अगर 79 79 बोल रहे तो उसका 79 देंगे। और जो जेंडर है वो तो मेल है, तो मेल ही देंगे। अगर फीमेल है तो आप हम फीमेल ही देंगे। तो उनका जो हाइट है वहाँ हम पूछ लेंगे कि उनका हाइट कितना है, नहीं तो आप मेजर भी कर सकते हैं जो उनका हाइट है। अगर उनको पता है तो आप पूछ सकते हैं, जो नहीं है तो आप मेजर करके उसको देंगे। 78 सेंटीमीटर तो उनका 178 है, वो हमने सेंटीमीटर में दे दिया। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे उनके उसके बाद हम पूछेंगे स्मोकिंग करते हैं, अगर नहीं तो नो, इससे पहले करते हैं, अगर हाँ या ना उसमें दे रहे तो ठीक है, उसी हिसाब से आपको देना है। तो वो स्मोकिंग नहीं करते, पहले भी नहीं करते, अभी भी नहीं करते, तो उसको नो ही दे देंगे। और बाकी जो फीचर्स है वो आप भी दे सकते हो, वो ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं। लेकिन इतना जो आपका रिक्वायर्ड मार्क ये है, इतना देना होगा। उसके बाद जो स्मोकिंग है इसको भी आप पूछ लेंगे तो दे सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड एग्जिट ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा है, यहाँ पे उनका नाम आ गया, उनका उम्र, उनका जो हाइट है और जेंडर, और ये उनका जो आज का जो डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, FBC। FBC का फुल फॉर्म है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, जिसका हमने डिटेल्स दिया ना, तो उन्हीं का जो हाइट है, हाइट और वेट के अनुसार उनका जो लंग कैपेसिटी वो यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब वो कैसे कितना जोर तो फूंक सकते हैं, जो फोर्स लीटर है, लीटर वाइज पर सेकेंड है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। और कितनी देर तक वो फूंक सकते हैं, ये जो है पर सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे दिया है। मतलब वो उनका जो लंग्स की कैपेसिटी है, वो ऐसे इतने तक वो फूंक सकते हैं और इतनी दूरी तक वो जा सकते हैं 4 सेकेंड की ओर। तो ये उनका जो गया वो कितना फोर्स दे सकते हैं। और यहाँ पे जो आ रहा है, जो दूसरे फोर्स वॉल्यूम लीटर्स, जो कितना मतलब वो यहाँ से प्रॉपरली जो फूंक रहे हैं, वो यहाँ से प्रॉपरली जा रहा है नहीं, यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ से ये ऐसे करके पीक उठेगा, अगर ये इस तरह का उठता है जाता है तो ये प्रॉपर ही नहीं है। अभी हम FBC का फुल फॉर्म बताते थे। FBC का फुल फॉर्म है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इसका जो ट्रेन प्रोसेस है वो कैसे करेंगे ना, इसको हम स्टार्ट करेंगे तो इसको जब स्टार्ट करेंगे तो पहले इससे क्या करेंगे ना, सांस मतलब अंदर की ओर ले जाएंगे, इसको मुंह में लगा के कर सकते हैं, नहीं तो कमरा अभी हम शुरू करेंगे जो FBC। FBC का जो बता देता फुल फॉर्म फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फिर से बता दिया। तो अभी हम स्टार्ट ऊपर क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पर हमारा प्री मेडिकेशन आ रहा है और पोस्ट मेडिकेशन। तो प्री मेडिकेशन जो है, जो हम बता देंगे, जो पोस्ट मेडिसिन मेडिकेशन कौन है वो हम आखिर में बता देंगे। तो अभी हम प्री मेडिसिन मेडिकेशन में ओके करते हैं।
तो यहाँ पे जैसे हमने ओके कर दिया तो ये जो हैंडल है उसका सेंसर ये रेडी हो गया। तो अभी इसको जो करेंगे टेस्ट जो वो, तो पहले सांस अंदर की ओर ले जाएंगे, पहले सांस अंदर ले लीजिए। अभी जोर से इसको मुंह में डाल के पूरा अंदर घुसाइए, मुंह में घुसाइए, हाँ जोर से फूंक मारिए। हाँ अभी खींचिए, तो ये इस तरह का बनता है। जैसे आप जैसे ये अंदर सांस ले लिए जोर से, तो उसके बाद उसको मुंह में डाल दिए, मुंह में डालने के बाद जैसे फूंक फूंक मारे तो ये उनका जो फोर्स मेटल है वो ये से ग्राफ उठ के गया। और उसके बाद जो खींचे जितनी देर तक वो खींचे जो छोड़े वो उतनी दूर गया, उसके बाद जो खींचे वो ये वाला आया नीचे वाला। तो ये गया हमारा एफबीसी। और उसके बाद आता है एसबीसी। एसबीसी का फुल फॉर्म है स्लो वाइटल कैपेसिटी। स्लो वाइटल क्या है कि यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा जो हैंडल है वो पीछे और जो लाइट दिखाता है वो स्टार्ट हो गया, तो मैं क्लिक करता स्टार्ट, तो यहाँ पे तो वहाँ पे वो लाइटिंग ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब ये सेंसर रेडी हो गया। तो इसको क्या करेंगे ना, धीरे से सांस अंदर लेंगे, धीरे से सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर धीरे से अंदर लेंगे, धीरे से बाहर छोड़ेंगे, फिर उसके बाद जोर से सांस लेंगे, फिर जोर से छोड़ेंगे। उसके बाद जैसे फर्स्ट स्टेप और सेकेंड जो किए थे स्लोली लिए थे स्लोली छोड़ते, वैसे ही दो बार करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया तो वो सेंसर एक्टिव है, तो अभी वो शुरू करेंगे। लाइट छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए, अभी जोर से खींचिए, जोर से छोड़िए। अभी जैसे फर्स्ट जो और सेकंड किए थे वैसे ही करना है, छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए, बस इतना तक जाने के बाद आप स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने से आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे आ गया। अगर आप इसका पहले वाला जो अगर ग्राफ गलत हो गया तो आप फिर से भी स्टार्ट करके उसको भी कर सकते हैं अगेन। तो उसके बाद आता है एमवीवी। एमवीवी का फुल फॉर्म है मैक्सिमम वॉलेंटरी वेंटिलेशन। तो ये आपको क्या करना है कि जो आपको ये लेना जो सांस लेना है वो आपका कंटिन्यूसली, मतलब यहाँ से शुरू हो गया आखिर तक, मतलब 15 सेकंड जाता है वहाँ तक, तो आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले थोड़ा सा हल्का सा इन करेंगे, इनहेल करेंगे, उसके बाद एक्सहेल, मतलब जोर से फूकेंगे, जोर से खींचेंगे, जोर से फूकेंगे, जोर से खींचेंगे, इसे आपको कंटिन्यू करता रहना पड़ेगा आखिर तक। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले जो भी है उसका एमवीवी टेस्ट करने से पहले आप पूछ लेंगे वो रेडी है या नहीं। अगर रेडी है तो करेंगे, रेडी नहीं है तो वो करेंगे तो उनका चक्कर आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से इसको करना है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप रेडी हो? यस। ठीक है, वो रेडी है तो मैं स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा लाइटली अंदर लीजिए, जोर से फूंक मारिए, फिर खींचिए, छोड़िए, जो खींचिए छोड़िए, करते जाइए करते जाइए। हाँ, बस ये कंप्लीट हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। अगर ये मतलब आपका ये रॉन्ग हुआ है तो आप इसे फिर से भी आप मतलब स्टार्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे तो अगेन रिपीट करेंगे तो सबसे पहले तो उनको पूछ रहे हैं कि आप अभी कैसे लग रहा है, मतलब आपका चक्कर वगैरह कुछ आ रहा है, जैसे लाइटली लगता होगा कि कुछ हुआ। तो इसलिए जो भी जिसका करना तो एक बार करेंगे तो कुछ समय बाद फिर से एमवीवी कर सकते हैं। अगर एक ही बारे में आपका अटेम्प्ट ठीक है तो दूसरी बार करने की जरूरत नहीं। ये तीनों का फाइल आप एफबीसी, एसबीसी और एमबीबी तीनों करने के बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे। तीनों होने के बाद आप सेव करेंगे तो आपका जो तीनों फाइल है वो एक ही जगह में सेव हो जाएगा। ये तीनों आपका एक ही फाइल में सेव हो गया है। तो अभी आपका जो जो प्री एंड पोस्ट जो बोला था वो स्टार्ट कर दिखा रहा हूँ। तो जो पोस्ट है तो ये क्या है, जो पोस्ट जो इन्हें जो मतलब जो प्री जो होता है, तो अगर उनका सही से नहीं हुआ तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं ना। कैसे ना, उनका जो लंग्स वगैरह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप उनको अस्थमा या इनहेलर दे के उनका फिर से आप कर सकते हैं पोस्ट में। पोस्ट जैसे करेंगे, ओके करेंगे तो आपका ये फिर से स्टार्ट हो गया।
अभी हम एमबीबी में हो तो एमबीबी जैसे स्टार्ट करेंगे ये आपका ब्लू कलर जैसे आ जाएगा। अभी फिर से कीजिए जोर जोर, किसने रुके रुके, अभी ये थोड़ा सा लाइटली घूम लिए तो ये यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यू चलता गया, वो ये प्रॉपर नहीं है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर का आ गया, ये पोस्ट है ना इनर देखे बात जो करना है टेस्ट, ये पोस्ट है तो ये ब्लू कलर का आता है। तो अब हम इसको फिर से करते हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जोर से घूमिए, जोर से खींचिए, जोर से घूमिए, खींचिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, बस हो गया। अभी ये ब्लू कलर का आ रहा है ना, तो ये वाला हमें चाहिए जो कि ये पोस्ट मेडिकेशन जो होता है प्री एंड पोस्ट का जो है वो ऐसे आता है। उसके बाद एसबीसी, आप एसबीसी ले सकते हैं नहीं तो एफबीसी भी ले सकते हैं। एफबीसी जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये आपको जोर से फूंकना है फिर खींचना है, सांस लीजिए, जोर से फूंकिए, खींचिए, बस जो कि हुआ है वो उनका ये जो पोस्ट हुआ है वो उनका प्री से थोड़ा कम है, तो ये जो प्री होना चाहिए वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये इनका तो हमने इनहेलर दिया नहीं था क्योंकि ये हमने उन्हीं का दोबारा किया है फिर से, क्योंकि इनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होता है तो ये आपका ये जो इनका लॉन्ग जो एज और हाइट है ना उनके हिसाब से होता, तो उनका अगर ये छोटा पिक होता तो प्री वाला तो हम उनको इनहेलर देना होता, अगर नहीं है तो उनको इनहेलर देना ही पड़ेगा क्योंकि उनका प्री भी सॉरी पोस्ट नहीं लेना होगा। तो एसबीसी वैसे भी हम ले जाते हैं, स्टार्ट करते हैं एसबीसी का, धीरे से लीजिए, धीरे से छोड़िए, फिर धीरे से लीजिए, छोड़िए, यहाँ पे जोर से लीजिए, जोर से छोड़िए, धीरे से छोड़िए, फिर धीरे से, फिर धीरे से, बस स्टॉप। अभी यहाँ पे देखिए प्री एंड पोस्ट दोनों का आ गया, अभी हमने तीनों का प्री एंड पोस्ट ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने दो लिया था, पहला वाला ये था जो कि गलत है, जो सही है वो ये वाला है, मैंने वो टू है तो इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे भी अगर आपका पहला वाला सही नहीं है तो आप दूसरे फिर से टेस्ट करके भी ले सकते हैं, जो आपका मेन्यूवरा एबीसी टेस्ट है लिखा है तो वहाँ पर आप मेन्यूवर टू में आएगा तो उसको जो बेस्ट है आप वो भी सिलेक्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। तीनों का फाइल सेव सिलेक्ट करने के बाद आप उसको सेव करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आता है, ये क्या ऑप्शन आता है कि मेन्यूवर वन इज द बेस्ट मेन्यूवर, ये पुराना वाला जो एसबीसी का दिखा रहा है वो गलत है, तो एमबीबी का जो दिखा रहा था वो गलत है, तो उसको हमने सेकंड वाला किया था वही दिखा रहा है, हम इसको यस कर देंगे। उसके बाद आ रहा है कि ये टेस्ट फाइल टेस्ट है, टेस्ट फाइल टेस्ट 05 अप्रैल 2022 लिख रहा है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, डू यू वॉन्ट टू ओवरराइट इट, अगर आप ओवरराइट में यस करेंगे तो वो दोनों फाइल एक ही फाइल में होगा, अगर आप नो करेंगे तो वो दोनों अलग अलग फाइल बनेगा। ये जो फाइल बनेगा कहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कैंसिल कर देंगे तो ये सेव ही नहीं होगा, इसको मैं ओवरराइट करके यस कर देता हूँ, यस करने के बाद आपका ये फाइल जो है वो सेव हो गया है, वो कहाँ सेव हुआ है वो आप लोड फाइल में देख सकते हैं, लोड फाइल में आप जो पेशेंट है जो भी आप सब्जेक्ट है उसको क्लिक करके वहाँ पे जो टेस्ट फाइल है ये वो आपको यहाँ शो करा है। अगर उस टाइम मैं नो कर देता तो यहाँ पे दो दो फाइल आता, एक प्री का और एक पोस्ट, प्री एंड पोस्ट दोनों मिलाकर, अगर मैंने यस कर दिया तो वो दोनों फाइल एक ही जगह पे आ गया, वो ये वाला आता है। तो यहाँ पे आपका जो डाटा हो गया तो ये आपका डाटा आ गया, उसको अगर आप प्रिंट निकालना चाहते तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपका ऑप्शन है, आप अगर एफबीसी ओनली क्लिक करेंगे तो आपका एफबीसी का डाटा ही प्रिंट आएगा, अगर आप एसबीसी ओनली क्लिक करेंगे इसको काट कर तो आपका एसबीसी का डाटा आएगा। अगर आपको तीनों का डाटा चाहिए तो आपको ऑल इन वन पेज पर क्लिक करके प्रिंट देने से आपका तीनों का डाटा एक ही पेज में आ जाएगा, वो आप प्रिंट देख के देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है ये प्रिंट का ऑप्शन था, बाकी उसके बाद अभी ये तीनों का फाइल होने हो जाने के बाद जो तीनों का आप क्या कर सकते हैं, जो
आपका जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पर क्लिक करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं, एमबीबी का रिजल्ट है वो देख सकते हैं, नहीं तो आप एसबीसी क्लिक करके जो रिजल्ट देखेंगे ओनली एसबीसी का ही देख सकते हैं। और आप एमबीसी का रिजल्ट देखेंगे तो वो एसबीसी का रिजल्ट क्लिक करेंगे तो एसबीसी का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। प्री एंड पोस्ट का जो है वो फाइल आपका यहाँ पर ऐसे शो करेगा, ये प्री वाला है, अरे पोस्ट वाला जो इनहेलर देके जो करते हैं वो ये वाला आता है, जो प्री है वो ये वाला आता है, रेड कलर का आता है, पोस्ट जो ब्लू कलर का आता है। और इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपका जो भी फाइल है वो शो करता है कि आपका कैसा है, जो स्पायरोमीटर मेडिकेशन है वो कैसा है, लिमिट वगैरह का जो तीनों का वो आपको ऐसे शो करता है, और उसका इंटरप्रिटेशन रिजल्ट का एक ग्राफ आपको शो करता है, आप देख के भी जान सकते हो। यहाँ पे भी ऐसे COPD सेवेरिटी जो लिखा है यहाँ पर वो देख सकते हैं। अगर आप कुछ नोट निकला चाहते हो, कुछ मतलब चेंज करना, वो डॉक्टर नोट्स में यहाँ क्लिक करके आपका तीनों लाइन दिया है, आप उसी हिसाब से आप कुछ यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। अगर आप SBC का कुछ लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन लिख देंगे, MBB का कुछ लिखना है तो SBC का कुछ लिखना है तो सेकेंड लाइन में, और MBA में कुछ लिखना है तो थर्ड लाइन में लिख के आप ओके कर देंगे तो आपका नोट यहाँ पर कुछ आ जाएगा। मैं कुछ सैम्पल की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ पे ABC लिख दिया, यहाँ पे मैंने QWE लिख दिया, और उसके नीचे मैं XYZ लिख दिया, तीनों को लिख कर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर जो आ रहा है प्री मेडिकेशन पोस्ट मेडिकेशन, नीचे इंटरप्रिटेशन के डॉक्टर नोट्स जो है वो यहाँ पर आ गया, तीनों लाइन बन के यहाँ पे आ गया। आप उसको ओके कर देंगे तो आपका वो जब भी आप प्रिंट देंगे तो आपका यहाँ पे शो करेगा, प्रिंट देते ही ऑल इन वन पेज करेंगे प्रिंट बोथ है, और डॉक्टर मतलब जो आपने नोट दिए है वही नोट को क्लिक करके देंगे तो आपका जो टाइप किए वही नोट आएगा। अगर मशीन इंटरप्रिटेशन का क्लिक करेंगे तो मशीन का डाटा है वो आएगा, अगर प्रिंट बोथ में रहेंगे तो आपका दोनों का फाइल मिला के ही प्रिंट देंगे तो प्रिंट आएगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर आप क्या देना चाहेंगे। तो उसके बाद एनालाइज आता है, एनालाइज में आप देख सकते हैं ये ट्रेंड्स क्या है, वो ट्रेंड्स आप देख सकते हैं, और ट्रेंड ग्राफ भी देख सकते हैं, टेबल भी, और उसका प्रिंट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका भी कुछ डिटेल्स है आप उसको चेक चेंज करके प्रिंट पोस्ट का भी देख सकते हैं, क्या कुछ है क्या नहीं वो आप यहाँ से चेक करके क्लोज कर। और इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो तीनों का फाइल है वो यहाँ पे आपका शो करेगा, यहाँ आप भी कुछ देख सकते हैं उसका देख के, आप कुछ जो भी जानना चाहते हैं वो यहाँ पर देख के जान सकते हैं। तो इसको क्लोज करके आप ऑल मेन्यूवर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो डाटा टोटल कितना मेन्यूवर है वो यहाँ पर देख सकते हैं, प्री एंड पोस्ट का जो है जो लिए थे आप देख भी सकते हैं। और आपका 3D व्यू मतलब आप कैसे क्या देखना चाहते हैं उसका वो डायग्राम दिखा रहे हैं, ये SBC का है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग का, टेस्ट ऑपरेशन का और इंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे आप ऑप्शन है आप उसको रोटेट करके देख सकते हैं। टेस्ट वाला आप क्या क्या देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और ऑल इन वन जो है आपका तीनों का मिलाकर एक ही जो ग्राफ है वो दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हो, प्रिंट देख सकते हो, टेस्ट भी मतलब देख सकते हो, और क्लोज इतना ही है। और कुछ बेसिक सेटिंग है मैं दिखा देता हूँ, तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो आपका जो फाइल है लोड फाइल जो आपने जिसका भी डाटा की है ये टेबली साहू का टेस्ट फाइल के ऊपर में ओके करके ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद उनका जो ग्राफ है ABC SBC और MBB तीनों ग्राफ उनका शो कर रहा है, इसी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे जो हमारा रॉ डाटा को एक्सेल फाइल में, तो यहाँ पे वो ऑप्शन लिखा है टूल्स में, यहाँ पे एक्शन का लिखा है, वो जो आपका जो है वो शॉर्टकट की है वो टूल्स में आपको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर एक्सपोर्ट टू एक्सेल क्लिक करते ही आपका जो डाटा एक्सेल फाइल है वो यहाँ पर हो गया है। ओके करने के बाद आपको वो डाटा चाहिए तो वो शो एक्सेल फाइल क्लिक करने से वो आपका शो कर देगा यहाँ पर ऐसे।
यहाँ पर आपका टोटल फाइल शो कर रहा है, इसको आप एक्सेल करके आपको देख सकते हैं, क्लिक कर दिए ये बता देगा कि आपका एक्सेल जो भी करना है, फिर से अगर करना है तो फिर से भी आप क्लिक करके एसबीसी के आईवी ले सकते हैं, जो भी जिसका भी करना है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल क्लिक करेंगे तो आपका डाटा एक्सपोर्टेड टू सी प्रोग्राम फाइल इंटू 86 हेलियस पैरामीटर डाटा सीएसवी, वहाँ पर आपका डाटा सेव हुआ सक्सेसफुल। अगर आपका शॉर्टकट में जाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके सो एक्सेल फाइल करने से आपको दिखा देगा, फिर से आ गया उनका। तो और कुछ मतलब है तो आप वो भी देख सकते हैं, इतना ही है। और अगर आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा कि कहाँ मेरा फाइल है, तो वो आपको यहाँ जिस पीसी में जाना है, जो फाइल आपका जहाँ इंस्टॉल है, सी ड्राइव, आपका गेटवे दिखा देता हूँ, प्रोग्राम फाइल हेलियस, यहाँ पे आपका जो नीचे एक्सपायर डाटा वो वाला आपका फाइल ही होगा, ये वाला आपका आ जाता है सेव, जो सेव हुआ है।